अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बुधवार को एक मंच से उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को धमकाते हुए कहा कि वह उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। उनका कहना था, हम डरते नहीं हैं, हम सुशील मोदी के घर में घुस के उनको मारेंगे। अगर हम उनके बेटे की शादी में गए तो वहाँ तोड़फोड़ करेंगे और उन्हें एक्सपोज करेंगे। तेज प्रताप के सुशील मोदी के पुत्र की शादी में तोड़फोड़ की धमकी वाले वीडियो पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए लालू जी को माफी मांगनी चाहिए और उन्हें ऐलान करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें लगता है कि तेज प्रताप को गुस्सा इस बात का है कि उनके कारण स्वास्थ्य मंत्री का पद उन्हें खोना पड़ा। बड़ी मुश्किल से सत्ता में आए थे, सत्ता से बाहर हो गए। उसका गुस्सा उनके बेटे की शादी में उतार रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि वे लालू जी से आग्रह करेंगे कि वे उन्हें समझाएं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। सुशील ने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा न हो कि गुस्से में कुछ लोगों को भेजकर कोई अव्यवस्था पैदा करें। उन्होंने कहा कि लालू जी को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए तथा उन्हें ऐलान करना चाहिए कि इस तरह का कोई हंगामा नहीं होगा। सुशील ने कहा कि उनके पुत्र की शादी में लालू जी अपने परिवार के साथ आएं, वे उनका स्वागत करेंगे। एक टीवी चैनल में तेज प्रताप के गत 19 नवंबर को औरंगाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए धमकी देते हुए दिखाया गया। तेज प्रताप को यह कहते हुए दिखाया गया कि सुशील मोदी ने उन्हें अपने बेटे उत्कर्ष मोदी की शादी में आने का निमंत्रण दिया है। शादी में अगर जाएंगे तो वहीं हम उनकी पोल खोलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।